मनप्रीत सिंह, आज हम करेंगे हॉलैंड का वीई पंप। प्रॉपर फिटिंग हो गई है, वेन पंप नए डाले हैं और इसमें रूटर हेड डाउन हो गया। स्टार्टिंग लेट है, 323 नंबर ये वेन पंप हमने नए डाल दिए, नोजल भी नहीं डाल दी। सब कुछ ट्रैक्टर के जो साथ में आता था वो नाल का है, 2 ईयर मॉडल ट्रैक्टर है। पहले भी मैंने सेटिंग किया था, 4-5 साल हो गए, चल गया। अब नया रूटर डालेंगे, ये नया रूटर 323। मैंने ये रूटर डाल दिया है, ये रूटर 323। प्रॉपर हॉल में ऐसे मैंने जैसे नोजल बनाई है, ऐसे हॉल में इधर से पूरी सफाई करनी है ताकि कोई भी कचरा ना रहो। और इसके पिन के भी आपने सिलाई मार के इधर से साफ करना है, इधर से भी कोई भी कचरा हो। नया रूटर फिटिंग करना है, हम इसकी फिटिंग करते हैं, उसके बाद देखते हैं रीडिंग करते हैं। तो दोस्तों, जिन भाइयों ने नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिसने वीडियो देखी है लाइक करें, थैंक यू। दोस्तों, नया हेड मैंने फिट कर दिया है, इसकी डिमेंशन चेक कर लेंगे एक बार, इसकी कम आती है, उसके बाद हम फिटिंग कर देंगे प्रॉपर। वो 3-41 और 42 आ रही है। जीरो 28 डिमेंशन ज़्यादा आ रही है, तो उसको सेटिंग चेक करेंगे पहले कितनी है। 2 थोड़ी सी इससे मोटी डाल देंगे, 45 है और 48 और 50 की डाल देंगे, तो 36 पूरा हो जाएगा। तो मैंने इसकी डिमेंशन 3.26 कर दी है, 26 से 36 चलता है। नहीं खोलो, ये रिंग डालना है, तो इसी प्रॉपर फिटिंग हो गई, अभी उसकी सेटिंग है। ये इसकी सेटिंग है, नया रूटर डालोगे तो डिमेंशन ज़रूर चेक करना, ये सेटिंग है, तो दिक्कत नहीं आएगी आपको। दोस्तों, फिट हो गया गला, ओके करेंगे सर। स्टार्टिंग चेक हो रही है, ऑल पंप ऑल सेटिंग हो गई है 24 पे। नया रूटर फिट करते हो तो भाई साहब ये ध्यान रखना, रूटर फिट करने के उसका डिमेंशन करने के बाद हाथ से घुमाना जरूर है, मशीन पे नहीं, जहाँ भी वाइस बैंक जहाँ भी करते हो घुमा कर जरूर देखना। कई बार क्या होता है, नई केम प्लेट और रूटर अटक जाता है, कई बार आती है दिक्कत, हर बार नहीं आ रही, तो चेक जरूर करना है। तो दोस्तों, देखिए स्टार्टिंग से, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू। ये देखिए 12 CC स्टार्टिंग आया, बिल्कुल ओके स्टार्टिंग होगी, कंपनी का 10-10.5 होता है। टाइमिंग आ गया 4-4, 4 इतने 4 हटर नीचे आएगी।